अपना स्पीकर लेना है और उस स्पीकर को सबसे पहले किसी एक आईसी में आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने सॉकेट में देखिए इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे आसान जो तरीका है इसे कनेक्ट करने का, वूफर को जोड़ने वाली जो केबल है उसको आपको सबसे पहले मोबाइल में यहाँ पर लगा लेना है। आपको नहीं पता होगा कि आपके डीवीडी प्लेयर में कहाँ पर इनपुट्स हैं और कहाँ पर आउटपुट हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक सॉन्ग को प्ले कर लेना है और सॉन्ग जब आप प्ले कर लेंगे तो सारे सॉकेट्स में एक बार लगा लगा के चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले सॉकेट में लगा रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। उसके बाद मैं किसी और सॉकेट में लगा के देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इस सॉकेट में मैंने लगाया तब भी आवाज़ नहीं आई, यहाँ सॉकेट में मैंने लगाया तब भी आवाज़ नहीं आई, यहाँ लगाया तब भी आवाज़ नहीं। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, वन बाय वन सभी सॉकेट में चेक करके देख लोगे और किसी ना किसी एक सॉकेट में आपके आवाज़ आएगी ज़रूर। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए यहाँ पर आवाज़ आ गई। तो यानी देखिए इस सॉकेट में क्या है, अभी ऑडियो इन हो रहा है, तो यहाँ से ये 44-40 जो प्लेट लगी हुई है एम्पलीफायर की उसमें जाकर ये इन हो जा रहा है और 44-40 जो प्लेट है वो इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे रही है। तो इसके अलावा देखिए दूसरा जो है, दूसरी पिन अब देखनी है मुझे कि दूसरी पिन मैं कहाँ पे लगाऊँ, तो उसके लिए पहली पिन को मैं निकाल लेता हूँ और दूसरी पिन को यहाँ पर फिर ऐड करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर भी नहीं आ रही है आवाज़, और यहाँ मैं लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो यानी एक पिन को यहाँ लगाना है मुझे और एक पिन को यहाँ लगाना है। तो अब देखिए जैसा कि आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए मैं आवाज़ आपको तेज़ करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आवाज़।